तो पढ़ाई पढ़ाई आती है, शाने मानसो समाज सारा बैठा है और सारा समाज जो कहने काम राम हो सो उसमें चर्चा जरूर करनी चाहिए। ये जो पढ़ाई आज पढ़ाई जाती है बच्चों को, के बनाओ सो इस बालक के बनाए, ये पढ़ाई केवल और केवल नौकर बनाती है। बड़ा पढ़ लेगा बड़ा नौकर, थोड़ा पढ़ लेगा छोटा नौकर, विद्वान नहीं बनाती है। सिर्फ रुपया छाप मशीन और कुछ भी नहीं। शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छंद ये सारे वेद के भाग हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छंद इनकी जान नहीं, श्रुति स्मृति महाभारत और समझे 18 पुराण नहीं। बिन सतगुरु के उपनिषदों के ज्ञान की कोई पहचान नहीं, बिन शिक्षा के छोटे बड़े गुरु मात पिता की कायम नहीं। पर सब गन्यू लाग रही से मेरा छोरा इसी जगह लाग गया, तनखा थोड़ी और रेसोत घनी और खखाट और कुछ नहीं। चार तरीके का जीवन होता है सजनों। एक तो सब मौज मौज में जी रहे 85% 90% लोग, उससे आगे है सुख। 5 से 10% लोग हैं जो सुख में जी रहे हैं। फिर है आनंद, वो 1% लोग होंगे जो आनंद में जीते हैं। 1-2% लोग होंगे, कोई अरबों खरबों में एक आत्मा है जो परम आनंद को लेती। ये चार अवस्थाएं हैं। और मेरे यार किसना आनंद जी है ना, किसने ना रणवीर सिंह धन्यवाद सरपंच साहब आड़ा आगे आ जाए। आजा सरपंच साहब आजा। कुंवर सिंह जी यादव कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है जी। भाई मान और सम्मान के हो, मेरे बुजुर्गो, गौशाला की प्रबंधक कमेटी, हमारे जो कलाकार भाई, नौजवान साथी, आज का मेरा यहाँ ग्रीनसीज में जाने का कार्यक्रम था। नान रोड में लेट हो रहा हूँ, 2 बजे का टाइम था, लेकिन पड़ोसी ने पड़ोसी से राम रोक्स का है, इसलिए भाई मैं आगे तरह पड़ोसी हल्का है। गौशाला का मुझे पता है कार्यक्रम है, गौशाला का कार्यक्रम का मतलब भी मैं समझूँ। तो आपकी गौशाला में जमीन जो कोई शेड बनाना है या कोई चारद्वारी बनानी है, जो किसी न किसी चीज़ के लिए, वो आयोग से मैं पैसे भिजवा दूंगा, जो 5-4 लाख रुपये, और फिर आगे देखूंगा कितना काम कर रखे अगली बार फिर होते जो दर्ज है। आप मैं डी प्लान का पैसा आ जाने, तो डी प्लान की दरखास्त दोबारा दे दीजिए, फिर गौशाला में कुछ लगवा दूंगा। अभी तो डी प्लान का पैसा ग्रांट होगा जब दोगे। गौशाला में तो अच्छा काम कर रहे हो, गौ सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं। और आगे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भाई गऊ के गोबर से, गऊ की खाद से, गऊ के मूत्र से ये प्राकृतिक खेती भी करना शुरू कर दो। हमने हमारे विभाग ने कोशिश की है कि भाई ये जो जैविक खेती की तरफ ध्यान दें, प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें। कैंसर बहुत फैलने लग गया, ये पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया। तो हर आदमी, आपसे मेरी अपील है कि हर आदमी कम से कम 1 बीघा 2 बीघा अपने घर घर की खेती को तो गोबर के खाद से या जैविक प्राकृतिक खेती करो, क्योंकि तो बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। बाद में भी तो आपके 10-10, 20-20 लाख रुपये, थोड़ी सी उपज कम होगी शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हमारा एक स्टेट जो है सिक्किम, सारे हिंदुस्तान में ऐसा है जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की दुकान में नहीं है। हमारे राजस्थान में भी 1000 एकड़ में ऐसी जैविक खेती शुरू हो गई है। अपने को भी कम से कम अपने घर घर की वैसी खेती शुरू करते हैं जो को के पाँच से किलोमीटर से उससे हो। और मैं आपके पड़ोसी हल्के से भाई हूँ, लोहारू से, लोहारू महेंद्रगढ़ साथ लगे हैं, जो कि मेरा हाथ में होगा तो 12 ने लोहारू में रख लूँगा, 4 ने तरल इसके महेंद्रगढ़ वाले दूंगा, 5 ने पानी की बात है, पानी लोहारू में आओ है तो महेंद्रगढ़ में भी आओ है। पीने के पानी की आपकी समस्या है, उसका भी समाधान कराएंगे। किसी भी तरह अपना मान लेना कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, जो कुछ लोहारू में करता रहूँगा उसका चवन्नी तारीफ करता रहूँगा। इतनी बात करके जाता हूँ। मौज क्या है? 85% लोग मौज में, वह मौज के हो, मौज हो जाए
जिसमें स्वाद आओगा, दारू पीने में, समोसा खाने में, मीट खाने में, अंडा खाने में, झूठ बोलने में, चुगली करने में स्वाद आओगा, वारिस होने में स्वाद आओगा। या है मौज, और किसने मौज ले रहा फलाने के हाल से नहीं, बस मौज हो रही है, सबकी मौज हो रही है। फिर से सुख, सुख में कौन है? जो तामसिक भोजन नहीं करेगा, सुपाच्य भोजन करेगा, चुगली नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, टाइम पास होगा, एक रूटीन से लाइफ जीवेगा, वो है सुख में। इससे आगे है आनंद। आनंद में कौन है? जो टाइम पर भी सोएगा, थोड़ा भी सोएगा, सुपाच्य भी खाओगा, थोड़ा भी खाओगा, वो अल्प हो जाएगा सब क्या इमार, वो आनंद को अनुभूति करेगा। जो आनंद की अनुभूति करेगा वो परमानंद तक पहुंच सकता है। मौज में सब क्या है? सुख का है ना बेरा है, आनंद और परमानंद तो दूर की बात है। सजनो, ये सनातन धर्म कहता है, चाहे डॉक्टर पैदा कर लियो, चाहे वैज्ञानिक पैदा कर लियो, चाहे संत पैदा कर लियो, चाहे भगत पैदा कर लियो, चाहे चोर पैदा कर लियो, चाहे डाकू पैदा कर लियो, एक माँ बाप के हाथ में बात हो, चम्मा भी पैदा कर लियो, बशर्ते कि वो नियम और विधि से पैदा किया हुआ हो। सनातन धर्म कहता है जब संतान उत्पत्ति करनी हो उससे 6 महीने पहले दोनों धनी वीर अपने गृहस्थ को छोड़ के ब्रह्मचर्य के व्रत पर डटे, ईश्वर की आराधना नियम से करें, और झोली फलाक मांगे, हे परमात्मा मेरे घर में इन गुणों से संपन्न संतान होनी चाहिए, और 6 महीने के बाद वो गृहस्थी का पालन करें। जिस दिन गर्भ ठहर जा, बीज गिरा जा, उस दिन से फिर गृहस्थी छोड़ के और 9 महीने तक वो माँ बाप कैसे रहे तो एक श्रेष्ठ संतान पैदा होती करे है। कौन यू अब जानदार धुंध मन रहा है संसार, अंधार धुंध पैदा हो रहा है, ठाडा भर किया हिंदुस्तान, फिर अखबार ठाके भर यहाँ थोड़ा चोरी होगी, उड़ा डाके पड़ के, उड़ा दुष्कर्म हो गए, बलात्कार हो गए, क्यों? क्योंकि विधि से संतान पैदा करिए नहीं। अरे बेटे का